आपने कहीं भोलेनाथ से कुछ मांगा, आपकी इच्छा पूरी हुई? बिल्कुल, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं भोलेनाथ से, हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और मैं छोटा था, 10-12 साल का। आज मैं आप लोगों को टेढ़ेनाथ बाबा धाम के दर्शन करवाऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां दे दूं यहां की, कुछ खास विशेषताएं जो हैं। और इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? महाभारत काल में जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने इसकी स्थापना करवाई थी और सबसे पहले पूजा अर्चना की थी। और यहाँ की दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पे चोरी नहीं होता, कहीं आप सामान रख देते हैं तो आपकी सामान की चोरी नहीं होती है। यहाँ दोस्तों, इस मेले में मुझे एक भोलेनाथ जी मिल गए हैं, डुप्लीकेट भोलेनाथ, तो इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो भोलेनाथ जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं गोला से आया हूँ। गोला गोकर्णनाथ जी, तो आपको बता दूँ वहाँ भी बहुत फेमस मंदिर है गोला गोकर्णनाथ, वहाँ तो यहाँ से भी ज़्यादा काफ़ी भीड़ होता है। तो आपका शुभ नाम? विश्राम सिंह यादव जी। तो आप कितने दिन से टहल रहे हैं? हम आज फरुखाबाद गए थे, फरुखाबाद से भर के यहाँ चढ़े हैं। नहीं तो आप पैदल यात्रा पे हैं या गाड़ी से? नहीं, ट्राली है वहाँ। ट्राली से पैदल यात्रा नहीं करते? पैदल यात्रा नहीं जी, ट्राली पे झांकी करते हैं, डांस करते हैं। कितने सालों से आप बन रहे हैं भोले बाबा का रूप धारण करते हैं? यही 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल से? क्या आपने कहीं भोलेनाथ से कुछ मांगा, आपकी इच्छा पूरी हुई? बिल्कुल, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं भोलेनाथ से, हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और मैं छोटा था 10-12 साल का जी, तब से मैं यही कर रहा हूँ जी। और मुझे लगन है और शौक़ है ये करने का जी जी। और मुझे मान सम्मान मिलता है, आप लोगों का सभी का सहयोग मिलता है जी। बस इसीलिए मैं इस दुनिया में आया हूँ और उनकी दया से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मांग भी खा लेते हो? ये भोलेनाथ की भक्ति में कुछ ज़्यादा ही लीन रहते हैं, उनका मानना है कि मैं हर साल यही काम करता हूँ। हर साल हाँ, सावन में, नवरात्र में झांकियाँ जहाँ लगती हैं मुझे बुलाते हैं लोग, मैं जाता हूँ, मान सम्मान होता है, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।